सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेज फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए राइट में जो ऊपर की साइड पतंग है, अब ये नीचे या ऊपर खींची है हमारी पतंग, और लेफ्ट में ऊपर से है अपोनेंट की, वो देखिए लेफ्ट में जो चल रही है ऊपर पतंग। सो देखते हैं अब किसकी जाती है, क्या होता है, कौन क्या करता है, देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। सो देखिए अपोनेंट ने बिल्कुल नीचे मारा, हमने लेफ्ट में खींची पूरी पतंग और अपोनेंट की ऐसे ही खींच के काट दिया, बहुत बढ़िया मौका देख के। सो चलिए रिप्ले की तरफ चलते हैं, देखिए यहाँ क्या हुआ। ये देखिए राइट में जो है नीचे से हमारी पतंग, नीचे का हाथ है हमारा, और लेफ्ट में जो घूम रही है वो अपोनेंट की पतंग है ऊपर से। अब अपोनेंट ने नीचे पूरी खींच मारी, उसने रोकी नहीं, और हमने मुड्डा बदल के एकदम उसकी तरफ खींचा है पतंग और उसकी पतंग काट दी है। बहुत ही बढ़िया पेच काट दिया है ये। सो गाइस यही पैतरे काम आते हैं, मुड्डा बदलना सीखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुड्डा बदलना भी। सो चलिए पेज सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे पेज को। ये देखिए अब राइट की तरफ, राइट में नीचे से हमारी पतंग ये, और लेफ्ट में जो है ऊपर से अपोनेंट की पतंग। अपोनेंट नीचे लाया पतंग को, हमने बाप से नीचे मारी हमारी पतंग देखिए यहाँ घूम गई है, और अपोनेंट ने ऐसे ही हमारी पतंग काट दी। अभी हमने अपोनेंट की पतंग काटी थी, उसमें भी उसने पूरा नीचे गद्दा मारा था, हमने मुड्डा बदल के काट दी। लेकिन इस बार देखिए हम वापसी पट मार रहे थे, लेकिन हमारी पतंग थोड़ी सी बेकार थी, घूम गई और अब वहीं हमारी पतंग कट गई। सो देखिए रिप्ले में दिखाते हैं। ये देखिए राइट में हमारी पतंग हम चला रहे हैं, बहुत ही बढ़िया पतंग चला रहे हैं, हमने अब वापसी पट की तरफ खींचा, अपोनेंट ने नीचे खींची थी, अपोनेंट की पतंग बहुत सही नीचे बिल्कुल एक सांस में पूरी खींच रही है, और देखिए हमारी पतंग यहाँ घूम गई, पतंग घूमते ही हमारी पतंग यहाँ कट गई है। अब पतंग नहीं घूमती तो हो सकता था हम अपोनेंट की पतंग काट देते। सो चलिए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है इसमें। अब देखिए ये जो राइट में ऊपर से हमारी पतंग और लेफ्ट में अंदर घुसता हुआ है अपोनेंट का नीचे से आता, अपोनेंट ने निकालने की कोशिश करी पेज को, हमने वापसी अपोनेंट की तरफ खींची, निकलने नहीं दिया, और हमने पतंग डाल के देखिए यहाँ चक्कर हल्का सा दिया था, लेकिन पेज निकल चुका है। सो देखिए अब दोबारा से पेज बनाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। देखिए अब अपोनेंट का हाथ ऊपर से हो गया है, देखिए अभी दिखाते हैं, अभी बताते हैं। ये देखिए अब नीचे से ये हमारी पतंग है जो नीचे है राइट साइड, अब देखिए राइट साइड हमारी पतंग आ गई है, नीचे से हाथ है, और लेफ्ट साइड है अपोनेंट की पतंग, ऊपर से हाथ हो गया। अब हाथ चेंज हो गया, पहले हमारा ऊपर से था, अब की बार अपोनेंट ऊपर से लेफ्ट साइड, और ये हम राइट में हमारी, हमने बहुत बढ़िया यहाँ पे पतंग चलाई, देखिए पतंग चला रहे हैं, हल्के हल्के पतंग चलाई अपोनेंट की तरफ ली, अब वापसी उसके हाथ की तरफ खींची, देखिए हाथ की तरफ खींची ऐसे ही अपोनेंट, अब देखिए नीचे मार सकता है, यहाँ पे हमने हल्की हल्की पतंग चलाई, और देखिए अपोनेंट ने नीचे मारा, हमने वापसी पट मारा, लेकिन हम लेट हो गए, हमारी पतंग यहाँ कट गई है, थोड़ा जल्दी खींच देते तो काट सकते थे। चलिए रिप्ले देख लेते हैं, रिप्ले में क्या हुआ। ये देखिए हमारी पतंग है, देखिए ये हमने पतंग चलाई थोड़ी सी यहाँ पे चलाई। सो गाइस पतंग चलाया करिए, काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है पतंग चलानी, अपोनेंट समझ नहीं पाता क्या हो रहा है। हमने अपोनेंट की तरफ खींची अपोनेंट की तरफ ली है, अपोनेंट ने भी हमारे हाथ की तरफ ली पतंग, हमने हल्की सी चला गई ऊपर खींची, देखिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे पतंग चला रहे हैं, चलाई हल्की हल्की चलाई पतंग, और देखिए अब अपोनेंट ने पूरी नीचे मारी थी, हमने अपोनेंट की पतंग की तरफ खींची, एकदम मुड्डा बदल के हमने वापसी पट मारा ही था, लेकिन अपोनेंट की खींच बहुत तेज़ थी और हम यहाँ थोड़े से लेट भी हो गए थे, सो इस वजह से हमारी पतंग ये कट चुकी है। सो चलिए पेज फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। सो देखिए राइट में जो है नीचे से हमारी पतंग है, लेफ्ट में जो है अपोनेंट की पतंग है, हमने ऊपर खींची, अपोनेंट ने नीचे करी, अपोनेंट चक्कर दे रहा, हमने अपोनेंट की तरफ खींच के, और देखिए हल्की सी उसके सुत्तलों के पास लेके बहुत ही बढ़िया उसकी पतंग चक्करों पे काट दिया। सो चलिए रिप्ले में देखते हैं हमने क्या किया। सो देखिए ये जो राइट साइड नीचे से हमारी पतंग और लेफ्ट साइड जो है अपोनेंट का ऊपर से हाथ है। सो देखिए हमने अपोनेंट की तरफ ऊपर को खींची, अब हमने अपोनेंट की पतंग की तरफ खींची है, देखिए अपोनेंट यहाँ पे चक्कर ही दे रहा है, हमने अपोनेंट की पतंग की तरफ खींची और यहाँ पे ले जाके जैसे ही मंजा मिलने वाला था दो तीन चक्कर दिए और अपोनेंट की पतंग ऐसे ही काट दी है, उसके चक्कर ही काट दिए हमने अपोनेंट के। सो चलिए गाइस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।